Good morning. Today's subject is legal ethics, in which today I'll take the topic power of Bar Council of India, in which the first power we'll discuss today is about to admission as advocates. In this regard, Section 20 of the Advocate Acts provides that every advocate who was entitled as of right to practice in the Supreme Court immediately before the appointment day and whose name is not entered in any state roll may within the prescribed time express his intention in the prescribed form to the Bar Council of India for the entry of his name in the roll of State Bar Council, and on receipt thereof the Bar Council of India shall direct that the name of such advocate shall, without payment of any fee, be entered in the roll of the State Bar Council, and the State Bar Council concerned shall comply with such directions. So what does it mean by Section 20? Section 20 आपको बताता है कि Advocate Act का सेक्शन 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को एवरी एडवोकेट मतलब प्रत्येक अधिवक्ता जो हु वॉज एंटाइटल्ड एज अ राइट ऑफ राइट टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकारी था उसकी नियुक्ति के दिन से, लेकिन उसका नाम अगर स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट में नहीं है तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर है सेक्शन 20 के अंदर कि वो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक इंटेंशन एक्सप्रेस इंटेंशन के साथ प्रेस्क्राइब फॉर्म में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्ट करती है कि वो ऐसे अधिवक्ता का नाम बिना किसी अतिरिक्त फीस के जो है स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट में शामिल करे। ठीक है, ऐसी शक्ति जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है सेक्शन 20 के अंदर। आगे फर्दर हम बात करते हैं, द एंट्री इन द स्टेट रोल मेड इन द कॉम्प्लियंस विथ सच डायरेक्शन शेल बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 क्लोज 3। अब अगर हम इस निर्देश के द्वारा मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऐसे निर्देश से यदि किसी अधिवक्ता का नाम स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट में शामिल करते हैं तो जो सीनियोरिटी होगी उसका निर्धारण धारा 17 क्लोज 3 के अनुसार किया जाएगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वेयर एज एन एडवोकेट ओमिट्स और फेल्स टू एक्सप्रेस हिज इंटेंशन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम हिज नेम शैल बी एंटर्ड इन द रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अब अगर कोई अधिवक्ता जो है वो प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर ठीक है अपना इंटेंशन जाहिर करने में असफल रहता है कि वो किस स्टेट बार काउंसिल में अपना नाम जो है वो एंटर्ड करना चाहता है, अगर वो ये नहीं बता पाता निर्धारित समय अवधि में तो उसका नाम जो है वो दिल्ली की स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपने आप जोड़ दिया जाता है या जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझा कि जो ये पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, देखिए वो कितनी वाइड है कि वो अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल्ड है मतलब उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है या वो सीनियरिटी बेसिस पे उस रैंक में आते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर, लेकिन उनका नाम यदि किसी स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट में नहीं है तो धारा 20 ये बताती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बार काउंसिल को और उस अधिवक्ता को भी निर्देश देती है कि आप अपना नाम जो है वो स्टेट बार काउंसिल के लिस्ट में जुड़वाएं। इसमें आगे बताया गया है कि सेक्शन 19 ऑफ द एडवोकेट एक्ट मेक इट क्लियर दैट एवरी स्टेट बार काउंसिल शैल सेंड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड बाय इट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट एंड शैल देयर आफ्टर कम्युनिकेट टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल alterations in and addition to
any such role as soon as the same have been made. देखिए सेक्शन 19 एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 19 है वो ये बताता है कि बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल्स जो हैं वो उनके पास जितने भी अधिवक्ताओं की नामावली है वो उसकी कॉपी जो है ऑथेंटिक कॉपी जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगी जब उन्होंने वो लिस्ट पहली बार बनाई और उसके बाद जो जो चेंजेस आते जाते हैं उनकी सूचना भी स्टेट बार काउंसिल को टाइम टू टाइम बिना किसी विलंब के बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देनी होती है. आगे सेक्शन 18 ऑफ द एडवोकेट एक्ट मेक्स प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ नेम्स फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनादर. सेक्शन 18 इसमें आगे बताता है कि स्टेट बार काउंसिल एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरे स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का नाम किस प्रकार से हस्तांतरित ट्रांसफर किया जा सकता है इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं. It provides that any person whose name is entered as an advocate on the roll of any state bar council may make an application in the prescribed form to the Bar Council of India for the transfer of his name from the roll of the state bar council to the roll of any other state bar council, and on receipt of such application, the Bar Council of India shall direct that the name such person shall, without the payment of any fees, be removed from the roll of the first mentioned state bar council and entered in the role of the other state bar council, and the state bar council concerned shall comply with the such directions. तो देखिए सेक्शन 18 हमें ये बताता है कि अधिवक्ताओं का जो नाम है वो एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरे स्टेट बार काउंसिल में कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है. इसके लिए अधिवक्ता जो है वो एक एप्लीकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होती है वो सेंड करता है. एप्लीकेशन रिसीव होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्ट करता है कि आप इन जो अधिवक्ता हैं उनका नाम अपने बार स्टेट बार काउंसिल लिस्ट से निकाल दें, और उन्हें डायरेक्ट करता है कि दूसरे स्टेट जहां वो जाना चाहते हैं उस स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्ट करता है कि आप इन अधिवक्ता का नाम बिना किसी फीस के अपनी लिस्ट में शामिल करें. तो देखिए ये जो प्रोविज़न है ये जो पावर्स आज हमने पढ़ी हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उसमें ये पहली पावर है एडमिशन of an advocate और transfer of an advocate. Hope आपको ये topic जो है हमारा आज का समझ आया होगा. Thank you.